डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग टेंथ में एनसीईआरटी के बुक से साइंस को पढ़ने के लिए शुरू किए हैं और जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, हम लोग का जितनी भी चीजें थी वो सभी सारी चीजें पढ़ ली गई है। लेकिन एनसीईआरटी के जो पीछे वाली अभ्यास की जो क्वेश्चन होती है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक के डिस्कस किया था क्वेश्चन। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन लिखा जाए फिर हम उसका आंसर लिखवाते हैं। लिखा जाए क्वेश्चन, उष्माक्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, का क्या अर्थ है। उष्माक्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्वेश्चन मार्क्स। उदाहरण दीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, इसका हमें अर्थ बताना है, इसका डेफिनेशन देना है और इसका उदाहरण भी हमें देना है। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग ये करें कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम लोगों ने सीखा कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें प्रतिफल में या उत्पाद में उष्मा की उत्सर्जन होती है। उष्मा जब अभिक्रिया से उत्पन्न होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन किसी भी अभिक्रिया में उष्मा जो है अभिकारक में प्रयोग होता है तब हम उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जो हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रतिफल भी बोलते हैं और उत्पाद भी बोलते हैं ना, तो उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है तब हम उसको उष्माक्षेपी कहते हैं। लेकिन उष्मा शोषी, दोस्तों ये टॉपिक्स नहीं हम लोग पढ़े थे तो आपको जानना चाहिए, उष्माक्षेपी का उल्टा होता है उष्मा शोषी। जैसे उत्पादन के साथ साथ उष्मा निकलता है तब हम लोग उष्माक्षेपी कहते हैं, उसी तरीके से अभिकारक में जब उष्मा का प्रयोग किया जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो कुल मिलाकर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, इसके उत्तर में पहले टॉपिक्स बनाएंगे उष्माक्षेपी के बारे में, उष्माक्षेपी अभिक्रिया लिख के एरो देंगे। ठीक है, पहले उष्माक्षेपी की अभिक्रिया का लिख लेंगे, उसके बाद उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में लिखेंगे क्योंकि दोनों ही सवाल में बोल रहा है। उष्माक्षेपी में लिखेंगे जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्सर्जित होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम इसका चूंकि उदाहरण भी देना है तो इसके उदाहरण पे आते हैं कि हम लोग क्या इसका उदाहरण दे सकते हैं। तो पहला उदाहरण तो उष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है, कार्बन जब ऑक्सीजन से साथ अभिक्रिया करता है,
कार्बन और O2 मतलब ऑक्सीजन, तब ये क्या बनाता है दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा। उष्मा को दिखाना जरूरी है तब हम बोलेंगे कि ये उष्मा छेपी का उदाहरण हुआ, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं हम लोग, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 का जरा बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 2 वाला में हम लोग लिख सकते हैं कि जब मेथेन जो होता है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेथेन, मेथेन का फार्मूला होता है देख लीजिएगा CH4, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मतलब कि O2, तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल और उष्मा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे हम लोगों को इतना चीज बनाता है और इसको थोड़ा सा संतुलित कर लेते हैं, कार्बन एक है तो यहां पे भी एक है, हाइड्रोजन यहां पे 4 है, हाइड्रोजन यहां पे कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीपल कर दिया, तो 2 से मल्टीपल कर दिया तो ऑक्सीजन भी तो 2 हो गया और यहां वाला 2 तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीपल कर दिए। तो दोस्त उष्मा छेपी का पहचान है कि उत्पाद में या प्रतिफल में उष्मा का निष्कासन होता है, उष्मा निकलता है, हम उसको उष्मा छेपी बोल देते हैं। चलिए अब इसी के नीचे उष्मा शोषी लिखेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया में एरो देकर लिखा जाए, जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है, उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए किसी भी अभिक्रिया में जब उष्मा निकलता है तब हम बोलते हैं उसको उष्मा छेपी, लेकिन उष्मा अवशोषण होता है, अवशोषण का मतलब उष्मा के साथ वो उष्मा लेता है, ठीक है, अभिकारक में उष्मा उसको जरूरत है, तब हम उसको बोल देते हैं कौन सा, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो एग्जाम्पल लिखिएगा, इसका उदाहरण भी देना है, कार्बन प्लस वाटर और इसके साथ हमको जरूरी क्या है, उष्मा, ठीक है, इसलिए ऊपर लिखा हुआ उष्मा देंगे तो ये क्या बनेगा भाई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस बाहर निकलेगा। देख लीजिएगा सबका फार्मूला, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2, और ये वाटर जानते हैं, ये कार्बन जानते हैं, तो ये एक उष्मा शोषी का उदाहरण हुआ, क्यों, क्योंकि यहां उष्मा का प्रयोग हो रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। चलिए तो दूसरा हम लोग लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, अगर नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाए, यानी कि N2 प्लस O2 और फिर अगर उष्मा दिया जाए तो यहां पे होगा N2O3, ठीक है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, यहां पे कितना है भाई, नाइट्रोजन 2 है, यहां नाइट्रोजन नहीं, ये नहीं बनेगा, NO2 बनेगा सर, NO2 तो होता ही नहीं, नाइट्रोजन का 3 O2 है, N2O3, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन 2 है तो यहां पे भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल मिलाकर ये हो गया हम लोगों का उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो उष्मा छेपी और उष्मा शोषी के बारे में हम लोगों का सवाल बोल रहा था। अब चलिए लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 10,
पहले क्वेश्चन लिख लेंगे फिर हम लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा जाए, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। देखिए हम लोग चूंकि पहले ही हम लोग पढ़ रहे थे कि उष्माक्षेपी में उष्मा का निष्कासन होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि श्वसन भी एक तरह का क्या है, हम लोग जो श्वसन लेते हैं फिर श्वास छोड़ते हैं, तो श्वसन भी एक तरीके का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि जब आप श्वास छोड़ते हैं तो गर्म हवा निकलती, कभी आप ट्राई करना, तो ये गर्म हवा है, जबकि इतना कम गर्म होता है कि हम लोग अनुभव फीलिंग्स नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी उष्मा निकलता हो हम बोल देंगे डायरेक्टली ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे आप श्वास लेकर छोड़ते हो, तो श्वास लेकर जो छोड़ते हो वहां पे आपका वो गर्म हवा नाक से निकली, दैट मीन्स ये भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब क्यों है, क्या है, इसके बारे में लिखा जाए, हालांकि पहले भी हम इन चीजों को बता चुके हैं। तो लिखा जाए आंसर, दसवां का उत्तर, चूंकि हम जानते हैं कि जिस अभिक्रिया के उत्पाद के साथ साथ जिस अभिक्रिया में लिखे गए यहां पे जिस अभिक्रिया में उत्पादक के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता हो, उष्मा का उत्सर्जन होता हो, वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, पूर्ण विराम। ठीक उसी प्रकार श्वसन क्रिया के दौरान श्वसन क्रिया के दौरान भी शरीर रासायनिक पोषक तत्व का विघटित करके ऊष्मा की प्राप्ति करता है। अतः श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहां पे हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि श्वसन जो है एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए है दोस्तों क्योंकि उष्माक्षेपी का क्या डेफिनेशन है कि किसी भी अभिक्रिया के उत्पाद के साथ साथ उष्मा का निष्कासन होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा शरीर में जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें भी श्वास लेते समय छोड़ते समय रासायनिक पदार्थों का विघटित हो जाता है, टूटता है, और टूटने के दौरान हम लोगों के शरीर से उष्मा निकलती है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। लिखा जाए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवन लिखा जाए, वियोजन अभिक्रिया
वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है पूर्ण विराम सॉरी क्वेश्चन मार्क। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, चलिए तो इसमें बोल रहा है सवाल कि वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है, क्यों कहा जाता है ऐसा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। अभिकारक में दो या दो से अधिक अणु मिलकर प्रतिफल में एकल उत्पाद बनाते हैं, सभी लोग मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग संयोजन कहते हैं। और जस्ट ठीक उसका विपरीत वियोजन में क्या होता है, वियोजन में अकेला अभिकारक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद जो है उनमें टूट जाता है, उत्पाद उनका विखंडन हो जाता है, उत्पाद में वो टूट जाते हैं, तब इस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब दोनों का यहां पे भी डेफिनेशन दे देना है, दोनों के लिए कुछ एग्जांपल्स करना है, जैसे कि उष्मा क्षेपी और उष्मा सोसी में किए थे। चलिए इसका आंसर लिखा जाए, कैसे आंसर लिखेंगे भाई, तो डायरेक्टली आंसर लिखिए, बस दोनों के बारे में हम लोग डायरेक्टली एक ही में लिख देंगे। लिखा जाए आंसर, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वे वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, वे वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, जबकि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक के अणु मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग दोनों का अलग अलग डेफिनेशन किए हैं। अब हम लोग अलग अलग दोनों का डेफिनेशन करने के बाद थोड़ा सा एग्जांपल्स भी कर लेते हैं लोग का, कि क्या एग्जांपल हो सकता है। तो एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग अभी कर रहे हैं संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल। क्या संयोजन अभिक्रिया में हो सकता है एग्जांपल? संयोजन में हम लोग क्या सीखे हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक का अणु मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जिसका इसका उदाहरण है C+O2, क्या बनेगा इसका CO2, ठीक है। तो एकल उत्पाद बना ना, इसको हम लोग संयोजन बोलेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल,
कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO, जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है CaCO3। ठीक है, अब जरा इसका वियोजन देख लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। वियोजन में क्या होता है कि अभिकारक में एक ही अणु होता है लेकिन प्रतिफल में दो या दो से अधिक अणु का विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खंडन हो जाता है उनका। यानी कि इसका पहला एग्जाम्पल, इसको CO2 कर लेंगे और ये अभिक्रिया करके टूट गया C+O2। देख पा रहे होंगे, दूसरा इसी का उल्टा कर देंगे CaCO3, ये भी टूट कर क्या बन गया CaOCO2। ठीक है, अब लिखा जाए उसके नीचे, उसके नीचे से उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि, उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि वियोजन अभिक्रिया को, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। विपरीत कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं कि संयोजन और वियोजन का दोनों का एग्जाम्पल भी देना था, फिर ये भी बताना था कि आप किस आधार पे कहेंगे कि दोनों जो है उल्टा है। तो उदाहरण से पता चल गया कि एक में हो रहा था विखंडन और एक में हो रहा था मिलन, यानी कि सब मिल जा रहे थे, तब हम इसको बोलेंगे क्या, हाँ, एक को संयोजन और दूसरे को वियोजन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 ना। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा जाए, पूर्ण वियोजन अभिक्रिया के लिए, पूर्ण वियोजन अभिक्रिया के लिए एक एक समीकरण लिखिए, पूर्ण वियोजन अभिक्रिया के लिए एक एक समीकरण लिखिए जिसमें, जिसमें ऊष्मा कौमा प्रकाश एवं एवं विद्युत के रूप में, एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब सवाल हमें क्या बोल रहे हैं जरा देखिएगा। यहां पे सवाल जो बोल रहे हैं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टेड, क्या बोल रहे हैं आपको, देखिए वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे रहा है। और वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जो अभिकारक में एकल अणु रहेंगे लेकिन उत्पाद में दो या दो से अधिक उनका खंडन हो जाएगा, दो या दो से अधिक उनका खंडन हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहना चाहें तो ये कहना चाह रहे हैं हम कि ऐसा आपको तीन गो एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है। उदाहरण आपको कितना देना है, तीन ठो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा, 12 नंबर का उत्तर बोल रहा है। ऐसा तीन आप समीकरण लिखिए, तीन समीकरण जो वियोजन अभिक्रिया का होगा दोस्त। अब वियोजन अभिक्रिया मतलब अभिकारक में एक ही अणु रहेगा लेकिन प्रतिफल में टूट जाएंगे, ऐसा तीन एग्जाम्पल देना है। अब तीन एग्जाम्पल में किसका किसका, एक आपको देना है ऊष्मा को लेकर, एक आपको देना है प्रकाश को लेकर, और एक आपको एग्जाम्पल देना है विद्युत को लेकर। यानी कि उत्प्रेरक के रूप में हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी कभी उत्प्रेरक के रूप में ऊष्मा लिया जा सकता है, प्रकाश लिया जा सकता है, विद्युत लिया जा सकता है। तो वही बोल रहा था कि आप ऐसा एग्जाम्पल दो
वियोजन अभिक्रिया का होना चाहिए एग्जाम्पल, जिसमें जिसमें ऊष्मा से रिलेटेड, प्रकाश से रिलेटेड और विद्युत से रिलेटेड, ये तीनों से होना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल इज CaCO3। जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो वो ऊष्मा की उपस्थिति में, ऊष्मा के वजह से वो दो पार्ट में बढ़ता है CaO+CO2। तो आप देख पा रहे होंगे कि यह एक वियोजन अभिक्रिया भी है, वियोजन है ना, क्योंकि अभिकारक में एकल अणु है लेकिन प्रतिफल में दो या दो से अधिक टूट रहा है, तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। दूसरी बात कि किसके उपस्थिति में भाई, तो ऊष्मा की उपस्थिति में। ठीक उसी प्रकार अब हमें क्या करना है कि प्रकाश का एग्जाम्पल देना है, ठीक है, प्रकाश का एग्जाम्पल देना है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश में की उपस्थिति में किसका खंडन होता है, तो वो है सिल्वर क्लोराइड। नहीं जानते होंगे आप जरूर लिखिए, सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है AgCl3। AgCl3, सिल्वर मतलब कि चांदी Ag और क्लोराइड का मतलब Cl3, ठीक है। तो AgCl3 इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। और ये प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है दो रूप में, कौन कौन सा भाई, तो सिल्वर और क्लोरीन। देख पा रहे होंगे ना, सिल्वर और क्लोरीन, तो क्लोरीन हमेशा 2 के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आप देख लो यहां पे, तो अभी तक तो हम लोग ठीक जा रहे हैं ना कि एक वियोजन अभिक्रिया का, तीनों का तीनों वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देना है, और उदाहरण देना है तो अलग अलग सिचुएशन में, एक ऊष्मा की उपस्थिति में टूटना चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति में टूटने चाहिए, विद्युत के उपस्थिति में टूटने चाहिए, ठीक है। तो विद्युत की उपस्थिति में कौन टूटेगा भाई, तो जैसे मान लिया H2O है, वाटर है, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है ना, दो पार्ट में टूटता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन कितना है यहां पे, 2, यहां पे कितना है 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से संतुलित करने के लिए। अब हाइड्रोजन यहां पे इसको 2 से गुना करने के वजह से हाइड्रोजन कितना बन गया, 4, तो यहां हाइड्रोजन कितना है, 2, तो क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई, तभी ना इधर भी हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। जरा इसको देखते हैं, संतुलित कर लेते हैं, यहां क्लोरीन कितना भाई, 3, यहां क्लोरीन कितना, 2, तो इसको 3 से गुना कर दिया जाए तो क्लोरीन कितना बन गया, 6, यहां क्लोरीन कितना बन गया, 6, लेकिन यहां अभी क्लोरीन कितना है, 3, तो इसको 2 से गुना कर दिया, तो अब 3 दुना था 6 क्लोरीन, वहां भी 6 क्लोरीन, लेकिन 2 से गुना करने के वजह से सिल्वर यानी कि चांदी कितना बन गया, 2, तो इसको भी 2 कर दिया। तो इसका आंसर में यही तीनों लिख लेना है, उदाहरण देना था सिर्फ, और कुछ नहीं लिखना था, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, तो लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 13, पहले क्वेश्चन बोल देते हैं फिर आंसर बताते हैं। लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, क्वेश्चन मार्क्स, इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्त बहुत इजी है, इसमें ज्यादा माथा पेची नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग दोनों ही अभिक्रिया को पढ़े, ऐसा नहीं कि मतलब कोई चीज हम लोग नहीं पढ़ा इसमें। 13 नंबर में जो करना है हम लोगों का काम, वो दो चीजें करना है, पहला ये कि विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर लिखना है। अंतर का मतलब आप एक जगह डेफिनेशन कर दो, आप करना क्या, यहां पे विस्थापन अभिक्रिया लिखकर
डैश दे देना, ठीक है। और विस्थापन अभिक्रिया का क्या कर देना भाई, परिभाषा लिख देना इधर। परिभाषा लिखने के साथ साथ विस्थापन का एग्जाम्पल कम से कम एक या दो ठोक कर देना। हम तो बताए हैं ना कि विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो वही सारा चीजें जो लिखवाए हैं आप लिख देना। और विस्थापन का बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल्स किए हैं, उसमें से कोई दो ठो आप यहां पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से तेरा का आंसर अभी कंप्लीट नहीं, विस्थापन के बारे में कंप्लीट किया, उसके नीचे अब लिख देना द्विविस्थापन अभिक्रिया, अब उसके बारे में भी आप लिख देना भाई इधर। उसके बाद उसका भी एग्जाम्पल, किसका, द्विविस्थापन का एग्जाम्पल कर देना, नंबर वन टू चाहे जितना भी एग्जाम्पल आपको अच्छा लगे। तो इस तरीके से आप दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर स्पष्ट हो जाएगा और दोनों के लिए समीकरण भी लिखा जाएगा। तो सवाल क्या बोल रहा था, सटीक क्वेश्चन था कि विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है, यानी कि अंतर को लिखिए और इनके लिए समीकरण को भी लिखिए। तो हम विस्थापन के लिए भी समीकरण लिख देंगे और द्विविस्थापन के लिए भी समीकरण लिख देंगे। तो जो ये चीजें बताई गई हैं, ठीक है, पहले बता चुके हैं, तो आप वहां से आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 14। तो लिखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो लिखा जाए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। पूर्णविराम, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, देखिए बोला गया ना कि सिल्वर का शोधन किया जाता है। भाई मेरे शोधन का मतलब होता है शुद्ध करना, शोधन का मतलब शुद्ध करना, किसको, सिल्वर को। तो सिल्वर को जब आप शुद्ध करेंगे तो आप किसकी मदद लेंगे, तो कॉपर का, सिल्वर नाइट्रेट का एक विलयन है और वो कॉपर के द्वारा विस्थापित होता है, सवाल में ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला पता है ना, AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट। जब कॉपर किसके द्वारा विस्थापित होता है भाई, कॉपर के द्वारा, तो कॉपर के द्वारा अगर विस्थापित होता है तो कॉपर के साथ रिएक्शन, तो कॉपर के साथ कैसा रिएक्शन, तो सवाल में बोला है विस्थापन रिएक्शन, विस्थापित करता है। तो Cu जो है विस्थापित में तो पड़े हैं कि दोनों की दोस्ती तोड़ेगा कौन, कॉपर, अकेला इंसान दोनों की दोस्ती तोड़ेगा। तो दोनों की दोस्ती टूट गया, तो अब ये दोस्ती NO3 के साथ कर लिया और इस तरीके से सिल्वर का शोधन हो गया, शुद्ध हो गया, है ना। तो ये क्या बन गया हम लोगों को, ये बन गया कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये चीजें हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा 14 का उत्तर, सिर्फ यही अभिक्रिया को लिख देना था। या फिर आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जब सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर से अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर नाइट्रेट तथा सिल्वर का निर्माण होता है, ये भी लिख सकते हैं। और फिर रिएक्शन लिख दीजिएगा, या नहीं तो आप रिएक्शन लिख दिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, अभिक्रिया ही लिखने के लिए बोल रहा था। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 14 तक के डिस्कस किए हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले क्लास में ये पूरी खत्म हो जाएगी चैप्टर। तो आज की क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।